तो लेट्स गेट ऑन विद द एक्सपोज। जैसे कि हम सबको पता है कि सुशांत सिंह हम सब बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं दैट द कॉन्स्पिरेसी टू किल सुशांत वाज हैच मोर देन एन ईयर अगो। करीब करीब 1.5 साल से उसको मारने की प्लानिंग चल रही थी। दैट इज द रीजन वाई रिया चक्रवर्ती वॉज प्लांटेड इन हिज लाइफ। वी ऑल नो दैट महेश भट्ट ने उसे प्लांट किया, लेकिन वी डिडंट नो कि महेश भट्ट ने किसके कहने पे प्लांट किया। Now there are two names that has come into our notice that as per the initial investigation of my team and the team in Mumbai also, और हमारे sources के हिसाब से महेश भट्ट को रिया चक्रवर्ती को उसकी लाइफ में प्लांट करने के लिए करण जौहर ने कहा। और करण जौहर को उसकी लाइफ में किसी बंदे को प्लांट करने के लिए नन अदर देन शाहरुख खान ने कहा, because he wanted him dead at any cost, because either he wanted him to become a drug addict or he wanted him to become dead because of drug overdose. So कहीं ना कहीं सुशांत की मौत के कारण आज unfortunately की दिशा सालियान का केस हो गया तो उसका मर्डर करना पड़ गया। अदरवाइज ही वुड हैव डाइड आइदर ऑफ ड्रग ओवरडोज और ही वुड हैव एंडेड अप बीइंग इन अ रिहैब सेंटर और समथिंग एंड रूइंड हिज करियर। सो दैट वाज द कॉन्स्पिरेसी कि उसको खत्म कर दिया जाए बिकॉज ही वाज ग्रोइंग प्लेसेस आफ्टर एमएस धोनी एंड ही वाज डाउटेड टू बी द नेक्स्ट शाहरुख खान ऑफ द इंडस्ट्री। वाओ, दैट्स अ बिग क्लेम। This just question came to my mind, like there are a lot of talents. I do believe that, you know, of course Sushant was multi-talented, but right now I want to be a little diplomatic while asking. There are people like Ranbir Kapoor. I know Ranbir Kapoor ke upar bhi shayad nepotism hua hai, definitely, probably he is the best person to come and say that, but then there are also promising actors, right? Jo bhi hai, to why, mane ye mera dimag mein aaya tha, why Sushant ke upar kyu tha, kyunki usne movie industry se aaj mil nahi paya ya what? पाकिस्तान में परफॉर्म करने से मना कर दिया। दैट वॉज द डे दैट ही पिस्ड ऑफ द एंटायर सिंडिकेट। ये खड़काया हुआ लड़का हमें मना कर रहा और वो ऑफर उसे किसी और ने नहीं, खुद शाहरुख खान ने दिया था इंटरनली परफॉर्म करने। दुबई में पाकिस्तान में परफॉर्म करने के, लेकिन उसने एक भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। सिंडिकेट ऑल्सो और ऊपर से वो शाहरुख खान से बड़ा बन गया था आफ्टर एमएसजी। ही वाज सुशांत वाज वेरी हंबल, राइट? मतलब मैंने उनको जितना भी देखा है वो ही यूज्ड टू लव शाहरुख अ लॉट, शाहरुख का, क्योंकि मुझे ये चीज दिमाग में आया था, क्योंकि जब अगर अपने सफरों जी आप भी देख सकते हो, जब जिस दिन 14 जून को जब सुशांत का डेथ न्यूज फर्स्ट आउट हुआ था, इवन द टाइम आई केम आउट एंड यू नो वॉच द वॉचिंग टीवी, उसके पहले करण जौहर और शाहरुख का ट्वीट आ गया था और अक्षय कुमार का भी शायद आया थे, बट शाहरुख को मैं अक्षय कुमार का खुद नहीं देखा था, बट शाहरुख और मैंने तो इंस्टाग्राम में देखा था। आई वाज नॉट दैट मच एक्टिव इन ट्विटर, तो मैं फिलहाल सिर्फ हैशटैग के लिए ट्विटर आई हूँ। तो इस जगह पे मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि लाइक आई मीन दे वर वेरी प्रॉम्प्ट एंड शाहरुख ने जितना किया था लाइक यू नो ही विल मिस मी सो मच एंड आई विल मिस यू सो मच, आई जस्ट रिमेम्बर, एंड करण जौहर का कुछ ऐसा था लाइक आई हैव डन अ मिस्टेक यू नो समथिंग लाइक दैट। तो देखो ऐसा दिबलीना जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, इन लोगों का भी वही हाल। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग शाहरुख खान के बारे में जो लोग इंटरनली जानते हैं, वो एक बात हर बंदा कहता है दैट ही इज द मोस्ट इनसिक्योर गाय इन द एंटायर बॉडी। मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन ये बॉलीवुड के लोगों ने मुझे बताया, ही वॉज वेरी इनसिक्योर क्योंकि हर चीज में वो कॉपी कर रहा था।
शाहरुख खान को। पर वो तो फिर शाहिद कपूर था, रणबीर कपूर है, अरे वो एक चीज है सिंडिकेट का शायद, दैट्स अ पॉइंट। Absolutely. So this was planned by none other than, और ये confirmation हमें कब हुई? ये confirmation हमें तब हुई जब 9 जून की हमें बात पता लगी कि 9 जून को शाहरुख खान ने 120 करोड़ बाबा सिद्दीकी से लिए थे। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन था कि 8 जून को दिशा सालियान का मर्डर, 9 जून को इसका पैसे उठाना और 14 जून को सुशांत का मर्डर और 14 जून को ही समीर बांगड़ा का मर्डर। सो दीज आर द डॉट्स विच वी कनेक्टेड। समीर इज रिलेटेड इन अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी।